हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रेशमा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, ये क्या होता है? ईटीएस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन और एंजाइम साइटोक्रोम का कैरियर होता है, और ये एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे साइटोक्रोम को पास करता है, और ये किसके थ्रू होता है? रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू होता है, इसलिए इसको एक चेन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक चेन के थ्रू, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का टर्मिनल रिएक्शन होता है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि ईटीएस में और ईटीसी में कितने क्या क्या एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला आता है एनएडी। ओके, एनएडी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, सेकेंड वन इज एफएडी। एफएडी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स। एंड थर्ड वन इज कोएंजाइम क्यू। एंड लास्ट साइटोक्रोम्स। ओके, ये साइटोक्रोम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे लोकलाइज्ड होते हैं, और ये बेसिकली फोर टाइप्स के साइटोक्रोम इसमें एटीएस में पार्टिसिपेट करते हैं, साइटोक्रोम बी सी ए एन ए थ्री। ओके, अब हम ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि ये क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके इनर मेम्ब्रेन की जो क्रिस्टी होती है, इसमें ईटीएस साइकिल कंप्लीट होती है। ओके, ये होता है इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डेड होता है, वो क्रिस्टी कहलाता है। ये इनर मेम्ब्रेन हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि उसमें क्या एफएडी का वर्क क्या है, कहाँ से ये लोकलाइज्ड होता है और किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, ये भी एक एफएडी क्या होता है, ये कोएंजाइम होता है, और ये वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किसके? क्रेब्स साइकिल के। ठीक है ना, और ये ह्यूमन बॉडी में विटामिन बी टू से सिंथेसाइज होता है। ओके, नेक्स्ट आता है एनएडी। एनएडी का क्या फॉर्मेशन होता है और ये जो है कैसे पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक कोएंजाइम होता है, और ये टू न्यूक्लियोटाइड से मेड होता है। ठीक है ना, फॉर्मेशन हुआ होता है, और इसके साथ किसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये बाइंड अप होता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, और जो है किससे जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी तो कोई कैरी करेगा, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जब ग्लाइकोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन डोनर से ये जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में। ठीक है ना, और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसपोर्ट करता है। वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है ना, ये ह्यूमन बॉडी के विटामिन बी थ्री से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि एनएडी जो है वो हाई अमाउंट में एटीपी का जनरेट करता है, हाई अमाउंट में, किसके कंपैरेटिव? एफएडी के कंपैरेटिव। मोर देन 50% एनर्जी जो है एफएडी के कंपैरिजन में एनएडी जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट क्या आता है वो हम देख लेते हैं, NADH2। ठीक है ना, NADH2 हमने कहाँ देखा है, कहाँ पे पढ़ा है? इसको क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है ना, जैसे पाइरूवेट से जो है क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे ये NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है, किस डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है NAD जो है H2 इलेक्ट्रॉन अपना वो डोनेट कर देता है, और ऑक्सीडाइज्ड होके जो है ये अभी मैं बताऊंगी कि
एच जो है किस किस में डिवाइड होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। ये क्रेब साइकिल से प्रोड्यूस होता है और किससे होता है, एनएडी से होता है, ठीक है ना। एनएडी प्लस से एनएडीएच2 का फॉर्मेशन होता है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है ना। और ये जो सीरीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो सीरीज चलती हैं, इसमें ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है ये इस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अल्टीमेटली ये मॉलिकुलर ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट करता है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि ये कहाँ से मिलता है हमें, क्रेब साइकिल से मिलता है, ठीक है ना, क्रेब साइकिल से मिलता है। डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। जब टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, ठीक है, ट्रांसफर करेगा तो ये आगे जाके टू इलेक्ट्रॉन और टू प्रोटॉन में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेन के थ्रू एटीएस साइकिल में, ठीक है ना। इसका भी यूज़ क्या होगा अभी मैं बताऊंगी साइकिल में, ठीक है। अब साइटोक्रोम एंजाइम जो होते हैं, है ना, हमें पता हो गया कि साइटोक्रोम कितने होते हैं, ए बी सी, ए बी ए बी सी ए थ्री, ठीक है। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके साथ ही ये हीम एक प्रोटीन होता है उसको कंटेन करता है, ठीक है, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप का हो से रिलेट करता है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है यहाँ पे हीम ग्रुप का प्रोटीन। ओके, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि ये हीम जो है वो ह्यूमन बॉडी के हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, और ह्यूमन बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है। और ये जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, ये आयरन से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर हो जाता है एटीएस साइकिल में, और जब ह्यूमन बॉडी में होता है तो ऑक्सीजन कैरियर हो जाता है, क्लियर। अब हम इसके साइकिल पढ़ते हैं कि इसके साइकिल एटीएस का जो साइकिल है वो चलता कैसे है, चेन कैसे चलता है, ठीक है ना, कंप्लीट कैसे होता है, उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। तो एक तो ये है कि इसमें जो एनर्जी लेवल रिलीज होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ रिलीज होती है, ठीक है ना। इसका हमने देख लिया कि NADH2 जो है वो NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है और डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में होता है, डिहाइड्रोजिनेज, ओके, डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में होता है। ये क्या करेगा, टू अपना हाइड्रोजन को जो है वो रिलीज कर देगा। ये टू हाइड्रोजन टू इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे सेपरेट, टू इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन में सेपरेट होंगे, टू इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये रहा टू इलेक्ट्रॉन और ये रहा टू प्रोटॉन, ठीक। यहाँ पे जब सेपरेट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, एडीपी मॉलिक्यूल, एडीपी, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है, डाई यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप क्या है, दो हैं, ठीक है ना, एडिनोसिन के साथ टू फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट दो ग्रुप पहले से हैं, और ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच होके एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एटीपी, दो और एक तीन, तीन फॉस्फेट ग्रुप यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये जो है अब यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन, ये एक एटीपी यहाँ पे बना, ठीक है। नेक्स्ट जो है कोएंजाइम क्यू को टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन जो है वो टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। फिर ये टू इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी को ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये जो रिएक्शन चलती है जब जो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और जो कैरी करेगा, लेगा,
वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जब दूसरे को ट्रांसफर करेगा, साइटोक्रोम सी को ट्रांसफर करेगा, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर जो एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। तो फिर दूसरा जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो साइटोक्रोम बी और सी के बीच में हो, इन बिटवीन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच होकर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट फिर जो है यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, साइटोक्रोम सी ट्रांसफ़र कर देगा साइटोक्रोम ए को, देन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम ए जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा। आफ्टर देन साइटोक्रोम ए जो है फिर से टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साइटोक्रोम ए थ्री रिड्यूस्ड हो जाएगा। और इसके बाद ये जो टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, फिर वहाँ पे एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच होके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। और ये यहाँ पे ये सेकेंड एटीपी था और यहाँ ये थर्ड एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। फिर ये जो है ये जो दो टू प्रोटॉन हैं वो जो है यहाँ पे आके बाइंड करेंगे हाफ ओ टू मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके और वन मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर। तो हम जब क्रेब साइकिल हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे क्या क्या हमने पढ़ा था कि जब डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एनएडी से एनएडीएच2 का फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ पे हाफ ओ टू मॉलिक्यूल, यही हाफ ओ टू मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है ना, के साथ अटैच होकर वन वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा था और ईटीएस में थ्री एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये जो ईटीएस है यही चेन रिएक्शन में टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और वो एक चेन के थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू पास होते हैं, एक दूसरे से पास होते हैं और फिर वन टू थ्री एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। एटीपी के इम्पॉर्टेंट स्टेप, एटीपी फॉर्मेशन के स्टेप्स देख लेते हैं, जो कि अभी हमने बता ही दिया लेकिन फिर एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि एनएडी जो है एनएडीएच2 ऑक्सीडाइज्ड होकर साइटोक्रोम क्यू को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, देन वहाँ पे एक इनफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी के फॉर्म में, क्लियर। देन कोई एंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज्ड होके साइटोक्रोम बी को ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन, देन साइटोक्रोम बी ऑक्सीडाइज्ड होके साइटोक्रोम सी को ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन और फिर से एक एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एटीपी, सेकेंड एटीपी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट एटीपी, सेकेंड एटीपी, देन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज्ड होके साइटोक्रोम ए और ए थ्री को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन, अगेन वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और साइटोक्रोम ए ऑक्सीडाइज्ड होगा फाइनली किसके साथ, ओ टू के साथ, ठीक है ना, ओ टू मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीडाइज्ड होके और किसका फॉर्मेशन करेगा, H2O का फॉर्मेशन, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन हमें पता है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो है वो H2O का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये था ETS साइकिल। हाँ, इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।